बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर। मैं आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स रोज़ाना में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, जॉब्स के हवाले से जो भी कोई नई मालूमात आती हैं वो मालूमात मैं डेली आप लोगों के साथ अपने चैनल में शेयर करता हूँ और मुकम्मल डिटेल देता हूँ कि आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने इस वीडियो में जॉब के हवाले से एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। गवर्नमेंट की जानिब से जो ख़वातीन के लिए टीचर्स की नौकरियों का ऐलान किया जा चुका है, फ़ीमेल टीचर्स के लिए ज़बरदस्त किस्म की नौकरियों का ऐलान किया जा चुका है जिसके लिए अप्लाई कर सकती हैं ख़वातीन, और वो भी ये वीडियो देखने के बाद। अब नौकरियां क्या हैं, अप्लाई करने का मेथड क्या होगा, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप लोग भी अगर ख़वातीन हैं और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जॉब से रिलेटेड हर तरह की वीडियोज़ आप डेली देखना चाहती हैं तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि जॉब से रिलेटेड आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएं और आप बआसानी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो अब चलते हैं जॉब से मुतालिक तफसीली मालूमात लेने के लिए और अप्लाई करने का तरीका जानते हैं कि फ़ीमेल टीचर्स की नौकरी के लिए कौन कौन सी ख़वातीन एलिजिबल हैं और कौन कौन सी ख़वातीन दरख्वास्त दे सकती हैं। तो दोस्तों, अप्लाई करने का तरीका तो बहुत ही आसान है। आप लोग अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करें, अपने ब्राउज़र के सर्च बार में जाएँ और वहाँ जाने के बाद आप लोग हमारी वेबसाइट का नाम टाइप करें, जॉब रोज़ाना। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग जॉब रोज़ाना टाइप करेंगे और आप इसको सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो आपके सामने जॉब रोज़ाना आ जाएगा। जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी और इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के सामने बेशुमार नौकरियों की इन्फॉर्मेशन जो है वो आ चुकी हैं। और यहाँ से आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि गवर्नमेंट टीचर जॉब 2023, लेटेस्ट एजुकेटर जॉब 2023, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोगों ने जॉब के इस टाइटल के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग जॉब के इस टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस जॉब से रिलेटेड जो भी तफसीली मालूमात होंगे, इन तमाम मालूमात की डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी और आप लोग तमाम ख़वातीन जो हैं वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और प्रोसीजर आप लोगों के सामने है और इस प्रोसीजर को आप लोग रीड ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर मैं सारा का सारा प्रोसीजर ही आप लोगों को बताने बैठ जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे और कुछ अहम बातें ऐसी होंगी जो आप लोग वीडियो लंबी होने की वजह से सुन भी नहीं सकेंगे। तो उसके बाद आप लोगों ने पेज को स्क्रॉल करना है और आप लोग देख सकते हैं कि जॉब के अनाउंसमेंट डेट जो कि 21 है, अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 है, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर डिग्री तक की लोग अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल जॉब्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस की हैं और ये फुल टाइम की नौकरियाँ हैं। तो दोस्तों, और ख़वातीन को आप लोग ने अप्लाई कैसे करना है उसकी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं कि फ़ीमेल की नौकरियाँ मौजूद हैं सीनियर टीचर फिजिक्स के लिए, फ़ीमेल की मौजूद है सीनियर टीचर कंप्यूटर के लिए, फ़ीमेल की मौजूद हैं जूनियर टीचर नाजरा के लिए, जूनियर टीचर्स जनरल साइंस के लिए, जूनियर टीचर उर्दू के लिए, और उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि जूनियर टीचर इंग्लिश के लिए भी नौकरियाँ मौजूद हैं, और उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि मॉन्टेसोरी टीचर्स की नौकरियाँ भी मौजूद हैं। बाकी खेलों के लिए भी, जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की होती है उसके लिए भी ख़वातीन की नौकरियाँ मौजूद हैं। अब आप लोगों ने दोस्तों अप्लाई करना कैसे है, अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने अपनी सीवी को तैयार करना है। सीवी को तैयार करने के बाद एक अच्छी सी सीवी होनी चाहिए और उस सीवी को आप लोगों ने मौजूदा ईमेल एड्रेस के ऊपर फॉरवर्ड कर देना है। लास्ट डेट से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन जो है वो 6 जून से पहले इदारे को पहुंच जाए तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल के मैसेज किया जाएगा। जब आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उस टाइम आप लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप लोगों को जो है वो इंटरव्यू में नहीं अटेंड किया जाएगा, आप लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप लोगों ने करना क्या है दोस्तों, कमेंट करके बता देना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अपना दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।